नमस्ते भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल यादव है और मैं अभी क्लास 12th में हूं। IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूं, जिसके लिए मैं अभी फिजिक्स वाला से कोचिंग ले रहा हूं। और मैं अभी फिजिक्स वाला के लक्ष्य JEE 2024 बैच में इनरोल हूं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि मेरा 75 डे हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो गया है, तो मैं आज उसी के बारे में बात करने आया हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई अब आगे का क्या प्लान है, तो उसी प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा आपको थोड़ा बता दिया जाए। तो दोस्तों, आज से लगभग 78 डेज पहले अंकित बैनपुरिया को देखकर मैंने भी एक 75 डे हार्ड चैलेंज लिया था, जिसे मैंने कंप्लीट किया। बहुत से लोग चैलेंज के दौरान वीडियो के कमेंट में पूछते थे कि भाई आउटडोर वर्कआउट तो किया ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये चैलेंज अपने स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए और अपने एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करने के लिए ये चैलेंज लिया था। तो जैसा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ भाई, मैं कोई एथलीट तो हूँ नहीं, तो इस चैलेंज से मेरे को क्या बेनिफिट हो सकता है, इसलिए मैंने इस चैलेंज को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ था, जो कि लगभग 75 डे हार्ड रूल्स के सारे रूल्स को वो फॉलो करता था। बस मैं आउटडोर वर्कआउट नहीं करता था, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं था। दोस्तों, इस चैलेंज से मेरे को फिजिकली तो कोई खास ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं कोई प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो कर रहा था और ना ही कोई प्रोटीन लेता था। बस नॉर्मल जो घर में खाना बनता था उसी को खाता था, जिसको मैं अपने वीडियोस में दिखाता भी था। बट इस चैलेंज से मेरे को मेंटली काफ़ी फायदा हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, बट मेरे को वो फील होता है। तो दोस्तों, इस प्रिपरेशन की जर्नी में आपको मेंटली स्ट्रांग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बस दिन भर ओवर थिंकिंग में ही रह जाएंगे, बस रिजल्ट के बारे में ही सोचते रह जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं तो कभी ये सोचता ही नहीं हूँ कि नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा, मेहनत करने की हैबिट बन जाएगी, और मेहनत हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ बना सकती है। ज़िंदगी में एक JEE थोड़ी ही ना है, बहुत कुछ है इसके अलावा भी, उसको ट्राई करेंगे। बट ये मैं मानता हूँ कि डेली 10 आवर पढ़ने से इसका कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। 10 घंटे पढ़े हुए ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर काम आएगा, तो बस पढ़ते रहिए, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो अब मैं अपने आगे का प्लान बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, जो मैं रूटीन 75 डे हार्ड चैलेंज में फॉलो कर रहा था, सेम वही रूटीन मैं लगभग 1.5 फॉलो कर रहा हूँ। बस मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग नहीं करता था, बट अब यहाँ से मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज यानी कि स्ट्रेचिंग जो मैं करता था उसे कंटिन्यू रखूँगा, और जो मैं रात में वर्कआउट करता था उसे मैं एग्ज़ाम तक स्किप करूँगा। बिकॉज अब एग्ज़ाम ज़्यादा पास आ गया है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, और कोशिश करूँगा कि अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करूँ, ऑलमोस्ट 14 आवर्स डेली हिट करूँ। तो दोस्तों, एक्सरसाइज मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी काफ़ी थक जाती है, इसलिए मुझे रेस्ट के लिए एक्स्ट्रा 6 से 7 घंटे सोने पड़ जाते थे। बट अब एक्सरसाइज नहीं करूँगा और नींद को भी कुछ कम करूँगा, और मैं इसी तरह डेली वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा डेली कि मैंने आज कितने घंटे की पढ़ाई की। अब वीडियो को एंड करता हूँ, उससे पहले एक मेरा सवाल है। जब से मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है, उससे एक कमेंट सबसे ज़्यादा बार देखने को मिला है, और वो है, भाई अब ड्रॉपर हो। भाई, आपको क्या मैं ड्रॉपर दिखता हूँ? इसका आंसर देते देते मैं थक गया हूँ, और इसका आंसर मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। आप सभी लोग कमेंट में रीज़न ज़रूर बताना। एंड वन मोर थिंग, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, मेरे YouTube पे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इसके लिए आप सभी को थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। इस तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना। दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।